तो टैब्स आज मेरे को गैस चालू करने मिलेगा क्या? ऐसा कुछ? नो नो थैंक यू, अभी नहीं, नहीं आप वो लेवल पे नहीं पहुंचे हो अभी। स्वागत है आप सबका आई एम डिसिलियोस यूट्यूब चैनल पे। संडे की दोपहर है, ऑलमोस्ट शाम है और मैं वापस आ गया हूँ किचन में और आज हम लोग कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। जी नहीं, मैं गैस चालू नहीं करने वाला हूँ। हम इस प्रथा को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं बिना गैस और बिना ओवन के। तो आज हम लोग बना रहे हैं सेव बटाटा टोस्ट। सुना नहीं होगा, देखते हैं क्या है। तो अब आप पूछोगे कि यार ये सेव बटाटा टोस्ट आखिर है क्या? ये एक स्पिन ऑफ रेसिपी है जो हमने अभी भी ईजाद किया है क्योंकि हमारे घर में पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे पास ब्रेड था और कुछ सामग्री है तो उसको मिला के हम बनाने वाले हैं सेव बटाटा टोस्ट। फटाफट देखते हैं कि हमको क्या चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, आलू की सब्ज़ी, कोई भी आलू की सब्ज़ी हो सकती है, ये हमने दोपहर में खाया था अभी पूरी के साथ, बहुत औसम था। इसके साथ TMC यानी कि तीखा मीठा चटनी, ये है Ctrl+S यानी कि सेव, और इसके साथ है नींबू और थोड़ा सा धनिया, या अगर आप फॉरेन से हैं तो आप सिलांचो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हाँ ऑब्वियसली चाट है तो चाट मसाला। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अब हम बनाएंगे सेव बटाटा टोस्ट। तो सबसे पहला स्टेप जो है मेरे दोस्त, वो है हम करेंगे इस ब्रेड को टोस्ट। क्या बात है, तो इसको डाल देते हैं इसमें। ओके, तो अब हमारा टोस्ट रेडी है और इस चिमटे से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा करारा हो गया एकदम ये। तो ब्रेड हमारा बाहर आ चुका है, अब हम इसको साथ में मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये आलू की सब्जी, हम लेंगे और इसको डालेंगे ब्रेड पे और इसको अच्छे से जो है हम स्प्रेड करेंगे। आलू की सब्जी को इस पर फैलाने के बाद अब हम डालेंगे चटनी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये हरी चटनी, तो हाथ में ले लेते हैं तो फिर जाएगा। हरी चटनी ले लेते हैं और उसको ऐसे फैला देते हैं। इसमें ट्रिक ये है कि आपको एजेस पे भी लगाना है, नहीं तो मेरे जैसे लोग जो है वो एजेस खाते नहीं और फिर तरफ लगाएंगे अपने। तो उस ठीक है, तो हम लोग एजेस छोड़ देते हैं, फिर एज पे रहना पड़ता है। फिर उसके बाद डालेंगे मीठी चटनी, ये क्या इमली की चटनी है ना? इमली की चटनी है। इसको अच्छे से ऐसे फैला देना है, ठीक है। इसके बाद चाट मसाला डालें, Ctrl+S, इसके बाद Ctrl+S डालेंगे सेव। कंप्यूटर का जोक है, समझ में आया तो हंस लेना। अब नेक्स्ट स्टेप है हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, स्वाद अनुसार डालना है, और फाइनली डालेंगे नींबू और थोड़ा बहुत धनिया। एंड फाइनली इस हथियार का इस्तेमाल करना है, चाकू, ध्यान से करना बच्चों, ऐसे। तो अर्थ किया है कि अगर दुनिया में कोई रिश्ता इम्पॉर्टेंट है तो वो है आपका दोस्त, और अगर भूख लगे और कुछ भी ना हो घर पे तो खाना सेव बटाटा टोस्ट। बहुत ही बुरी शायरी थी लेकिन सेव बटाटा टोस्ट जो है वो अच्छा बन गया है। हमेशा की तरह मैं इसका एक बाइट लूँगा। लूँगा वीडियो के बाद। तो अच्छा बना है। ट्रिक इसमें आलू की सब्जी है जो मेरी वाइफ ने बनाया है। जितनी अच्छी आपकी आलू की सब्जी होगी उतना अच्छा आपका टोस्ट बनेगा। बाकी तो खैर
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसको बनाना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लिए, अपने मॉम के लिए, डैड के लिए, और मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। चलो।